आज के दौर में अभिनेत्रियां बोल्ड फोटोशूट कराती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 50 से 60 के बीच के दशक ऐसा था जब हिंदी सिनेमा में बोल्ड फोटोशूट तो दूर की बात है, अभिनेत्रियां बोल्ड सीन से भी कतराती थी। इसी दौर में एक ऐसी अभिनेत्री थी बेगम पारा, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। आज की पीढ़ी ने शायद बेगम पारा का नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन एक्ट्रेस बेगम पारा ने उस जमाने में बोल्ड फोटोशूट करवाकर हिंदी सिनेमा में भूचाल ला दिया था। हर तरफ बेगम पारा के ही चर्चे थे। आज हम आपको बेगम पारा के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। बेगम पारा का असली नाम जुबैदा उल हक था और उनका जन्म पंजाब के झेलम में हुआ था, जो कि उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और इस वक्त के पाकिस्तान में आता है। शायद ही आपको पता होगा कि मुस्लिम परिवार में जन्मी पारा के 10 भाई बहन थे। पारा की परवरिश बीकानेर में हुई थी। उनके पिता मियां एहसान उल हक बीकानेर में चीफ जस्टिस थे। बेगम पारा ने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से की। उस दौर में लड़कियों को शादी जल्दी करने की इजाजत हुआ करती थी। बेगम पारा ने भी शादी रचाई सुपरस्टार दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान के साथ। बेगम पारा का निकाह हुआ, लेकिन बेगम पारा की अपने जेठ दिलीप कुमार से जरा भी नहीं बनती थी। वो अपने जेठ के लिए कहा करती थी कि अगर वो दिलीप कुमार हैं, तो मैं भी बेगम पारा हूँ। बेगम पारा के पति का निधन 1974 में हो गया था, जिसके बाद वो 1975 में पाकिस्तान चले गई। 2 साल बाद बेगम पारा भारत वापस आ गई और उन्होंने बॉलीवुड में एक बार फिर हाथ आजमाने की कोशिश की। बेगम पारा ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। सोनी माहिवाल, नीलकमल, लैला मजनू और किस्मत का खेल जैसी फिल्मों में उन्होंने दमदार अभिनय किया। वैसे तो बेगम पारा ने अपने अभिनय के दम पर लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। आलम यह था कि उनके चाहने वाले सुबह सुबह ही उनके घर के आगे उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर भी बेगम पारा ने बोल्ड फोटो शूट करा लिया और उनकी चर्चा देश भर में होने लगी। जिस दौर में जब हीरोइन परंपरागत भारतीय नारी की छवि में कैद थी, उस दौर में बेगम पारा ने लाइफ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटो शूट करवा लिया था, वो भी हाथ में सिगरेट लिए हुए। बेगम पारा के इस फोटो शूट ने देखते ही देखते तहलका मचा दिया। वो बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। ये फोटोशूट उस दौर के फेमस फोटोग्राफर जेम्स बुर्क ने किया था। वहीं इस फोटोशूट के बाद बेगम बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और पिनअप गर्ल के नाम से मशहूर हो गई थी। बेगम पारा साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म सावरिया में नजर आई थी। इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और इसमें बेगम पारा ने सोनम कपूर की दादी का किरदार निभाया था। साल 2008 में मशहूर अदाकारा बेगम पारा ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बेगम पारा के बेटे अयूब खान बॉलीवुड का अभिनेता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।